नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ रचना सिंह। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों की ओर। खबर है गाजियाबाद से। आपको बताते चले कि गाजियाबाद नगर निगम हाउस टैक्स वसूलने के लिए अब छोटे बड़े सभी बकायेदारों पर कार्रवाई तेज कर दी है। नगर निगम गृह कर वसूलने के लिए लोगों को लगातार नोटिस भेजी जा रही है। नगर निगम की तरफ से अभी तक तकरीबन 1.25 लाख नोटिस भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि लेकिन बड़ी संख्या में गलत नोटिस भेजे जाने से लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को हैरानी इस बात की हो रही है कि उन्हें 1 लाख से 5 लाख रुपए तक हाउस टैक्स के नोटिस मिल रहे हैं। नगर निगम का साफ कहना है कि बकायेदारों ने कई बार नोटिस के बाद भी टैक्स जमा नहीं कराया, इसलिए अब उनकी संपत्तियां सील की जाएगी। आपको बता दें कि शहर के 100 वार्ड हैं और कुछ साल पहले तक तकरीबन 3.86 लाख करदाता थे, लेकिन बड़ी संख्या में दुकान मकान और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी अब सर्वे के बाद हाउस टैक्स के दायरे में लाया गया था। इस तरह शहर में अब 5.86 लाख से ज्यादा करदाता हो गए हैं। नए करदातों को अब नगर निगम की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है। ऐसे में जिन लोगों को नोटिस मिला है उनकी शिकायत है कि मकान और दुकान के क्षेत्र के हिसाब ज्यादा बिल भेजा गया है। इन लोगों का आरोप है कि नगर निगम किस आधार पर बिल भेजा है इसका पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में परेशान लोग अब नगर निगम का चक्कर काट रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों का कहना है कि अधिकारी शिकायत लेकर रख लेते हैं लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इधर गाजियाबाद के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संजय सिन्हा कहते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि उनको ज्यादा बिल का नोटिस मिल रहा है वे लोग शिकायती पत्र देकर नए सिरे से बिल का निर्धारण करा सकते हैं। इसके लिए उन लोगों को अपनी दुकान मकान या अन्य प्रतिष्ठान का रजिस्ट्री की कॉपी देनी होगी। आपको बता दें कि नगर निगम ने हाल ही में पूरे शहर के वार्डो में खर्च की गई रकम और मिलने वाले हाउस टैक्स व बकाया का आकलन कराने के लिए सर्वे कराया था। सर्वे के बाद नगर निगम ने 5.60 लाख नए भवनों को हाउस टैक्स के दायरे में शामिल किया गया था। इस दौरान 1,13,755 ऐसे भवन मालिकों की पहचान की गई है जो कभी टैक्स नहीं जमा कराए हैं। आपको बता दें कि इन भवनों पर नगर निगम का करीब 136 करोड़ हाउस टैक्स बकाया है, इसलिए गाजियाबाद नगर निगम ने अब सड़क, सीवर, स्ट्रीट लाइट, पानी जैसी सुविधाएं लेने के बाद भी हाउस टैक्स जमा नहीं करने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर। नमस्कार।